सब्सक्राइब करें पुरानी गाड़ी .com चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुरानी गाड़ी .com में, जहां पे मिलती है आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनर की कार। तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए फिर से आपकी ही डिमांड पे लेके आ चुकी है मारुति की इको 7 सीटर कार, जो कि 2015 का मॉडल नंबर है। अर्जेंट में ऑनर इस गाड़ी को सेल करना चाहते हैं, बट क्यों सेल करना चाहते हैं, क्यों इस गाड़ी को अर्जेंट में बेचना चाहते हैं, आइए ऑनर से डायरेक्ट बात करते हैं, इस कार के बारे में जानते हैं कि इस गाड़ी में जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं है, लोन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सारी जानकारी ऑनर से लेते हैं। हेलो हेलो, हाय सर जी, आपकी ना ये मैं पुरानी गाड़ी .com से बात कर रहा हूँ, आपकी ये इको बिकनी आई थी मेरे पास, इको 7 सीटर कार। हाँ जी, ये आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, चंदन कुमार। चंदन कुमार, जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, आपने जो ये इको गाड़ी भेजी है 2015 मॉडल नंबर। हेलो, हाँ जी बोलो बोलो। हाँ, इस गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब इंजन वगैरह में, जैसे अगर आपसे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो आके गाड़ी खरीदते हैं, पता चलता है कि 2-3 महीने में वो टायर चेंज करा रहे हैं या इंजन में कुछ काम करा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी ना गाड़ी के अंदर? अरे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंजन में इंजन इससे भी चल रही मेरी गाड़ी। अच्छा, स्टपनी वगैरह गाड़ी की क्या? स्टपनी, स्टपनी जो पांचवा एक टायर होता है गाड़ी के अंदर, पांचवा टायर होता है। हाँ, जो स्टपनी होती है ना गाड़ी की, स्टपनी। हाँ हाँ, वो आती है, वो है आपके अभी गाड़ी के अंदर? हाँ आती है अभी। अच्छा, और साथ साथ ये एलपीजी डॉक्यूमेंट्स के अंदर पास है वो कागज? हाँ, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ ये कंपनी फिटेड नहीं है ना, कंपनी आपने बाहर से एलपीजी लगवाई होगी ना ये? ना, मैंने बात की, जो मैंने खरीदी थी। हाँ, तो उसी गाड़ी में आई थी, उसी के साथ साथ में लगी हुई आई थी। हाँ, साथ में। अच्छा ठीक है, और इंश्योरेंस अभी है खत्म हो चुका है ना? सब अच्छे नहीं, इंश्योरेंस का गाड़ी का भी है करंट में, आपने बोला है कि अभी इंश्योरेंस खत्म हो गया है। सुनो सर, सुनो, आप कहाँ डिलीवर हो रहे आप? हाँ हाँ, केवल इसका बीमा खत्म हो चुका है बस। अच्छा हाँ सर, इसको इंश्योरेंस ही बोलते हैं। हाँ, बीमा खत्म हो चुका है, लेकिन बीमा तो कहते हैं 10,000 रुपया। ठीक है, तो अभी ये बताइए, अगर कोई आपसे गाड़ी खरीदने आता है तो आप उसे इंश्योरेंस करा के देंगे या नहीं देंगे? नहीं, तो वो तो भाई हिसाब से बताया जाएगा फिर तो। हाँ ठीक है, तो आप उसे अगर मैं करा के दूंगा तो भाई साहब दाम बताऊंगा, फिर सही बताऊंगा। हाँ, अभी आपने जो प्राइस बताया 1,50,000 रुपये बताए हैं, कितने आपने जो डिमांड दी है 1,50,000 की दी है ना? ना, मैंने जो पहले कॉल की थी वो मैडम थी, ठीक है। हम्म, तो मैंने आपसे ये कहा था 1,60,000 मांगना, ठीक है? ठीक है, 1,60,000 मांगना, ऐसा ज्यादा ज्यादा करेंगे तो हाँ हो जाऊंगा, कम हो जाऊंगा, 50,000 आ जाऊंगा, बीमा बना के दे दूंगा। नहीं नहीं, वो ठीक बात है, यानी कि आप कहना चाहते हैं अगर वो विदाउट बीमा लेंगे तो 1,50,000 की दे दूंगा, अगर वो बीमा सहित चाहिए उनको तो 1,60,000 की दूंगा, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, और इसमें कुछ निगोशिएबल प्राइस है, अगर कोई बंदा आपसे आता है कि भाई थोड़ा और कम कर लो तो वहां पे कुछ गुंजाइश है यहाँ पे प्राइस के अंदर? ठीक है ठीक है ठीक है, जी हाँ, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी गाड़ी की जो इन्फॉर्मेशन है और आपका नंबर जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, कस्टमर डायरेक्ट आपको कॉल करेंगे, एक बार बात करिएगा, सभी को जो इन्फॉर्मेशन आपने जैसे मुझे बताया वैसे उनको बताइएगा, ठीक है ना सर? ओके तो दोस्तों जैसे कि आपने ओनर को सुना, उन्होंने बताया कि गाड़ी के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टायर्स जो है वो गुड कंडीशन में है। वहीं फ्रेंड्स, अगर गाड़ी के इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जाए तो दोस्तों जो गाड़ी का मॉडल नंबर है 2015 और ये सेकंड ओनर कार है। वहीं फ्रेंड्स, जो कार का फ्यूल टाइप है वो है पेट्रोल प्लस एलपीजी। देखिए, एलपीजी
कि कागज आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं, लेकिन जब ओनर ने जिससे गाड़ी खरीदी है, क्योंकि ये सेकंड ओनर कार है, तो जब जिससे गाड़ी खरीदी गई है उनको नहीं पता है कि ये कंपनी फिटेड है एलपीजी या फिर बाहर से लगवाई हुई है, बट कागज कंप्लीट है। वहीं फ्रेंड्स जो कार का ट्रांसमिशन है वो मैनुअल है, साथ साथ ये यूपी नंबर रजिस्ट्रेशन कार है। और दोस्तों जो इस वक्त गाड़ी खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश कासगंज के अंदर खड़ी हुई है, साथ साथ जो कार का इंश्योरेंस वैलिड है, देखिए अभी जो है वो इंश्योरेंस कार का नहीं है, लेकिन जब आप ऑनर से गाड़ी खरीदेंगे तो आपको ऑनर जो है वो इंश्योरेंस करा के दे सकते हैं, उसके लिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे चार्ज कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स जो कार का कलर है सिल्वर कलर की आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाती है, गाड़ी के ऑल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। वहीं फ्रेंड्स कार लोन फैसिलिटी गाड़ी पे अवेलेबल हो जाती है ऑल ओवर इंडिया, लेकिन प्राइस ही इतना लो है कि आपको लोन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। दोस्तों प्राइस है ओनर का 1,50,000 रुपए, नेगोशिएबल प्राइस है, ओनर से आप अभी के अभी बात कर सकते हैं। कंडीशन आप लोग सभी देख ही चुके होंगे ऑलमोस्ट कार की, गाड़ी की कंडीशन काफी अच्छी है। अगर आप लोग इस गाड़ी को बुकिंग पे चलाते हैं तो भी आप महीने के कम से कम 25,000 से 30,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोगों को ये गाड़ी पसंद आ रही है तो ओनर का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टाइटल में मेरे कंपनी का नंबर मिलेगा, तो आप तुरंत के तुरंत कॉल करिए और इस डील को क्रैक करके एक अच्छी कंडीशन की इको गाड़ी आज के आज परचेज भी करिए। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई सेकंड हैंड कार है, आप उसे बेचना चाहते हैं, तो आप सभी लोग मेरे दिए गए इस कॉन्टेक्ट नंबर पे अपनी मात्र कार की 2 मिनट की वीडियो बना के मेरे इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। अपनी कार को घर बैठे बैठाए 24 से 48 घंटे के अंदर सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको करना क्या होगा, 2 मिनट की सिर्फ वीडियो बनानी है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करनी है। तो फ्रेंड्स ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।